बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर के एडमिशन फॉल 2024 के रिलेटेड है। ITU यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2024 स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ITU यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून 2024 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो BS इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंसिस, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो है इनमें ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशंस का, ओवरव्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओवरव्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आपके सामने एडमिशन स्केड्यूल जो है वो भी शो हो जाएगा। लास्ट डेट जो है एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट अपलोड करने की वो 5 जुलाई 2024 है। मींस के आपका जून का जो NTS टेस्ट है वो कंपलसरी है ITU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है वो 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक जो है वो कंडक्ट किया जाएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 15 जुलाई 2024 को अपलोड की जाएगी और क्लासेस जो है 19 अगस्त 2024 से जो है वो स्टार्ट होंगी। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर चेक करने के लिए अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है फीस स्ट्रक्चर का, फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो अपने लाजमी चेक कर। फॉर एग्जांपल BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो 1,75,000 रुपीज़ है, सेकंड सेमेस्टर की फीस 1,70,000। इसी तरह टोटल फोर ईयर प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल फोर ईयर की फीस जो है वो 15,82,752 रुपीज़ है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन का, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन ओपन अप्लाई नाउ। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट अकाउंट, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल BS प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, MPhil प्रोग्राम के लिए या PhD प्रोग्राम के लिए अपने ये सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो है अपना वो इंटर करेंगे, इसके बाद अपने मिडिल नेम इंटर करना है, लास्ट नेम जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने जेंडर जो है अपना वो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद CNIC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, मोबाइल फोन नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, ईमेल एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड को अपने कन्फर्म करना है और इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह रिसीव हुई है अपने वो इंटर करना है और नीचे ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने इनकम्प्लीट के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने इंटर करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने नेशनलिटी जो अपनी वो इधर इंटर करनी है, इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल सिटी का नेम अपने इंटर करना है, इसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो अपने पासपोर्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है। अगर आप डुअल नेशनल हैं तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है या बे फॉर्म की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, एड्रेस इंटर करेंगे सबसे पहले, इसके बाद पोस्टल कोड अपने इंटर करना है, इसके बाद सिटी का नेम अपने इंटर करना है, प्रोविंस का नेम इंटर करेंगे, कंट्री का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट मेलिंग एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो अपने कॉपी एड्रेस सेम एज परमानेंट होम एड्रेस जो है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नीचे अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद अपने पेरेंट इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है, सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद मदर का नेम अपने इंटर करना है, इसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, मदर की क्वालिफिकेशन अपने सेलेक्ट करनी है, इसके बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो है गार्डियन का वो इंटर करेंगे, लास्ट नेम अपने इंटर करना है, गार्डियन का CNIC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, गार्डियन का ऑक्यूपेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद गार्डियन का मोबाइल फोन नंबर अपने इंटर करना है, मंथली इनकम जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है और सेव के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो एंटर करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो एंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री जो है अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड का नेम आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्टार्टिंग ईयर जो अपना वो सिलेक्ट करेंगे। एंडिंग ईयर जो अपने वो एंटर करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो अपने वो एंटर करना है। टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, ऑब्टेंड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं, परसेंटेज पोर्टल खुद कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो आपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने क्लास जो आपने वो सिलेक्ट करनी है। FSC प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, ICS की है, FA की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। कॉलेज का नेम जो है आपने वो इंटर करना है। टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं, परसेंटेज पोर्टल खुद कैलकुलेट करेगा और अपने FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने फिजिक्स के ऑब्टेंड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं, टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री के अपने ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे, टोटल मार्क्स आपने इंटर करने हैं। मैथमेटिक्स के अपने ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करने हैं, टोटल मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं और सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद आपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसी तरह आप टोटल 7 प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट प्रेफरेंस जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का आप एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हो तो आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने NTS टेस्ट दिया हुआ तो आपने ये सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपने सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। टेस्ट डेट जो है अगर आपने NTS टेस्ट दिया हुआ तो उसकी टेस्ट डेट आपने सिलेक्ट करनी है। टेस्ट टाइप जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट का स्टेटस जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स जो है आपने वो इंटर करने हैं और रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। और अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है फी चलान फॉर्म, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड चलान फॉर्म, क्लिक हियर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है सबमिट करवाने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड अ फाइल, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपने पेड चलान की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है और सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका शो हो जाएगा। इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।